हेलो गाइज, दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज, आज के हमारा टॉपिक है टीट। ठीक है, टीट जो आप लोग देख रहे हैं इनके बारे में ही नहीं, इसके अंदर भी हम लोग बात करेंगे और अनदर एनिमल्स के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह फोकस करना है कि जो टीट है वो वर्ड आया कहाँ से है। ठीक है, तो वो टीट जनरली फोटोन जर्मनिक से आया हुआ है। इसमें क्या होता है लिटरली मीन्स की अगर हम लोग बात करें, विच डेट ईट, मैंने वैसा ही पार्ट जो बॉडी को जो हेल्प करता है खाने में, उसी को तो टीट कहते हैं। अब इसका ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें, ये तो इमेटियोलॉजी हो गया। ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो क्या, हाँ, जर्म लेयर से बना है। हम लोग जानते हैं पूरे शरीर जो हमारा है ना, ह्यूमन बींग्स का या कोई भी एनिमल का, वो पूरे ही जर्म लेयर से बना है। जर्म लेयर के बारे में हमने बताया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें तीन लेयर होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रोडर्म से हमारा क्या बना हुआ है, इक्टोडर्म से हमारा क्या बना हुआ है, टीथ बना हुआ है। ठीक है, और टीथ में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होंगे, इसको बारे में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन अब हम लोग बात करें कि जो हमारा जीन होता है टीथ का कहाँ से आया है। ठीक है, तो हेमोलोजिस एक मेमल्स है, वहाँ से हमारा टीथ का जो है वो जीन्स आया है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं, क्या सभी ऑर्गेनिज्म में सेम प्रकार का टीथ होते हैं? ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो हम जो चीज़ खाते वो भी वो चीज़ खाता है तो ईजिली डाइजेस्ट होता। अगर मैं आपसे कहूँ कि शेर के पास और मेरे पास सेम टीथ होता तो मैं भी कच्चा मांस खा सकता था। ठीक है, और ईजिली ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ना भाई, मेनली यही जानना है कि सेम टीथ सभी के पास नहीं होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट टीथ होंगे। यहाँ पर कुछ मैं एग्जांपल आपको दूंगा बहुत ही छोटे छोटे में, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं गोल, हमारा गोल दूसरा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एडवार्क की अगर हम लोग बात करें तो एक एनिमल है जो कि रेगिस्तान में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मेन भोजन है एंट है और रैट है। ठीक है, चूहा और चिट्टी को खाता है। ठीक है, लेकिन इसके पास कॉमन सी बात, जो हमारा इनेमल हो जो सबसे हार्ड पार्ट होता है ये होता ही नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पल्प ट्यूबल्स होते हैं। ठीक है, यही होते हैं जिसके वजह से ये लोग हेल्प करते हैं खाने पीने में। लोग बात करने वाले हैं डॉग टीट की, अगर हम लोग बात करें तो इनके पास 42 नंबर ऑफ टीट होते हैं, जबकि अपर जाक में 20 होते हैं, लोअर जा में 22 होते हैं। लेकिन यह प्लायर देखा जाता है कि पूरे डॉग में 42 नहीं होते हैं। ठीक है, इनके लास्ट लास्ट तक ही टीट आ जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या बात करें कि इनके जो कैनाइन होते हैं उनका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादातर होता है नीचे की तरफ। जितने भी आपने देखा होगा कार्वियोरस, उनका टीट का जो कैनाइन होता है वो ज़्यादा साइज का होता है, क्योंकि ये लोग फ्लेसी होते हैं, फ्लेश को ज़्यादा खाते हैं इसके वजह से। ठीक है, और जो हमारा पीएच वैल्यू की अगर हम लोग बात करें डॉग का, तो वो ज़्यादा हाईली होता है। ठीक है, इसके कारण से इसके जो डेंटल में जो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक, एसिडिटी नहीं होने देते हैं टीट को। ठीक है, वाले हैं कुछ स्पेशल केटासिन के बारे में। केटासिन मीन्स जो एनिमल वाटर में रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, हवेल की अगर हम लोग बात करें, तो हवेल में भी पल्प टीट ही पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली बहुत सारे हवेल में तो एक ही दो टीट होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी काल ऐसा भी देखा जाता है कि कोई कोई ऐसे भी हवेल होते हैं जिनके पास 240 प्लस टीट होते हैं। इनके पास डेंटल फार्मूला का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कहाँ से कब हो जाएगा ये कुछ नहीं है। अपर टीट में कितना हो सकता है, लोअर में क्या हो सकता है, मीन्स डेंटल फार्मूला इसका वेरी करता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग डॉल्फिन की बात करें तो 72 से 104 यहाँ पर होते हैं। एवरेज टीट की अगर हम लोग बात करें तो 100 होता है। अगर नार्वेल की बात हम लोग करें तो वहाँ पर क्या होता है कि बल्ब टीट ही होते हैं। ठीक है, और इसके पास जनरली क्या होता है कि सेंसरी नर्व्स के थ्रू ये क्या करते हैं, अपने फूड को इंटेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं हॉर्स के बारे में। हॉर्स को भी आपने टीट देखा होगा, इनके पास टीथ जनरली 36 से 44 होते हैं। ये वेरी भी करते हैं इनके एज के अनुसार, लेकिन इनके पास एक यह देखने वाले है कि इनके पास 9 नंबर ऑफ कैनाइन होते हैं। कभी आपने घोड़ा को मीट खाते हुए देखा है? नहीं ना, जिनके पास कैनाइन नहीं होते हैं इनके पास 3 ही टीथ होते हैं, मोलर, प्रीमोलर और इंसीजर। ये तीनों 12-12 पेयर में हो जाते हैं, जो कि 36 हो गया। अगर बढ़ते हैं तो 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, इन मिला के कितना 44 हो गया। ठीक है, वाले हैं एलिफेंट के बारे में। एलिफेंट के बारे में जब भी बात आता है तो यह बात आप जरूर सुने होंगे कि खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। सही बात है, जो उसका निचला वाला टक्स होता है वो तो खाने में काम ही नहीं आता है, वो तो स्पेशली उसका प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वो ह्यूमन यूज करके उसका मेडिसिन भी बनाते हैं बहुत सारे, वो बहुत महंगा बिकता भी है। लेकिन मेरे हिसाब से वो वैसा नहीं करना चाहिए ह्यूमन की, क्योंकि अगर दूसरे को हम लोग काट कर अपना फायदा उठाए, उसको काटेंगे तो मर जाएगा ना भाई, जैसे ही मर जाएगा तो उसका दुख
को देखकर अपना फ़ायदा उठाना, ये तो नहीं ह्यूमन नेचर में, ठीक है। अब हम टीट की यहाँ पर बात करें तो ये टोटल नंबर ऑफ टीट यहाँ पर 26 to 28 होते हैं, ये भी वेरी करते हैं, ठीक है। जितने भी एनिमल है भाई ना, उसका टीट नंबर ऑफ टीट फिक्स नहीं है, वो वेरी करते हैं, 2-4 इधर उधर होते ही हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें, जिस प्रकार से हमारे अंदर विजडम टीट आता है एक 20-22 की उम्र में, उसको हम लोग ज्ञानी टीट के नाम से भी जानते हैं, उसी प्रकार से इसमें 40 to 42 में क्या होता है, एक टीट आता है जो कि सबसे बड़ा होता है, ठीक है। रैबिट की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारा हार्बिवोरस ही है, जनरली घास फूसी खाता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ टीट के, तो टोटल नंबर ऑफ टीट 28 होते हैं, ठीक है। इसका अपर जा में अगर हम लोग बात करें तो 2033 है, लोअर जा में अगर हम लोग बात करें तो 1023 है, ठीक है। इस प्रकार से आप फिगर में देख, टाइल की अगर हम लोग बात करें तो रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल भी आते हैं, क्रोकोडाइल की अगर हम लोग बात करें तो पूरे जीवन में भाई वो 3000 टीट यूज करता है खाने पीने टोरने मरमरने में, ठीक है। ये था कुछ फैक्ट। अब आइए हम जो मेन पॉइंट है भाई ह्यूमन टीट उसके बारे में, ये तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। फर्दर डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू टाइप्स, अगर यहाँ पर हम लोग सीट वाइज की अगर हम लोग बात करें तो टीट को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट हमारा है मोनोफायोडोंट, सेकंड है डाइफायोडोंट और थर्ड है हमारा पॉलीडोंट, ठीक है। अब इसमें अगर मोनोफायोडोंट की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेट ऑफ टीट आता है, मीन्स एक बार ही उगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोफायोडोंट कहते हैं। वहीं सेकंड डाइफायोडोंट की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ टू मैंने दो बार सेट आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायोफोंट। लेकिन पॉलीफोंट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ टीट बहुत सारा, एक सेट में भी, दो सेट में भी, तीन सेट में भी, चार सेट में, जनरली शार्क में देखा जाता है, इलिफेंट में देखा जाता है, कंगारू में देखा जाता है। जहाँ था वह समय आ चुका है ह्यूमन टीट के बारे में। अगर ह्यूमन टीट की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि ये देख सकते हैं व्हाइट कलर का ड्राइंग है, ये अपर और लोअर जा में भी पाया जाता है और ये मसल से कनेक्टेड है, इक्टोडर्म लेयर से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो क्या करता है, सभी का अलग अलग फंक्शन। हम लोग जानते हैं कि हमारे ह्यूमन टीट को 4 भागों में डिवाइड किया गया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोरल, ठीक है। तो इंसीजर का कुछ अलग काम है, काटना काम है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तब तक हम लोग चलिए इसमें बात करते हैं कि जो हमारा टीट होता है ना भाई, वो दो अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार से 2 भागों में बांटा गया। अगर आप बेबी टीट की हम लोग बात करें, उसको टेम्पोरेरी टीट भी कहा जाता है, उसमें नंबर ऑफ टीट 20 होते हैं, जबकि एडल्ट टीट जिसको परमानेंट टीट भी कहा जाता है, उसमें नंबर ऑफ टीट कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। और ये 32 अभी मेरा अगर टीट की बात करूँ तो 26, 27, 28 होगा। इसके बाद विजडम टीट भी आते हैं, ठीक है। विजडम टीट बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बताने वाला हूँ। हम लोग बात करते हैं इंसीजर के बारे में, तो इंसीजर एक इंसिडाइर वर्ड से मिलकर बना हुआ है जो कि लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ही होता है टू कट, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो फ्रंट टीट होता है वो हमारा इंसीजर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ टीट की अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टीट ह्यूमन बींग में कितने होते हैं, 8 होते हैं, जबकि अपर जा में 4 और लोअर जा में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये प्री मैक्सिला से कनेक्टेड होता है, जो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, इसको किसी भी चीज़ को कटने में काम करता है, काटने में काम आता है, मैं यहाँ से इस प्रकार से कुछ चीज़ को काटने में काम आता है। फर्दली 4 भागों में डिवाइड किया गया है, दो दो के पेयर में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिगर में, फर्स्ट हमारा है मैक्सिमली सेंटर इंसीजर, जो नंबर ऑफ टीट 2 होते हैं, सेकंड है मैक्सिमली लेटरल इंसीजर जिससे नंबर ऑफ टीट 2 होते हैं, थर्ड हमारा है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसीजर जिसका भी नंबर ऑफ टीट 2 होते हैं, फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो मैंडिबुलर लेटरल इंसीजर जिसका भी नंबर ऑफ टीट 2 होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे इंसीजर से रिलेटेड। बात करते हैं कैनाइन के बारे में, कैनाइन को जनरली डॉग टीट के भी नाम से जाना जाता है, आई टीट के भी नाम से जाना जाता है। डॉग टीट के क्यों, क्योंकि ये पॉइंटल साइज के होता है, आपने डॉग को ही देखा होगा ना, उसी प्रकार से कुछ। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी डिवीजन 2 प्रकार से होता है, फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं मैक्सिमली कैनाइन होते हैं जिसका नंबर ऑफ टीट 2 होते हैं, सेकेंड की अगर हम लोग बात करें तो मैंडिबली कैनाइन होते हैं जिसका नंबर ऑफ टीट 2 होते हैं, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टीट हमारे पास कैनाइन के 4 हो गए, जो कि अपर जा में 2 पाए जाते हैं, यहाँ और यहाँ, ठीक है। फिर नीचे अगर बात करें तो यहाँ और यहाँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से टोटल ह्यूमन बींग्स में 4 ही होते हैं, ठीक है।
अभी हमने देखा कैनाइन, कैनाइन का क्या फंक्शन था, किसी भी फ्लेश को कट करने का, ठीक है, भोंकने का, ठीक है, फाड़ने का काम था, ठीक है। अगर आप चिकन खा रहे हैं तो वो तेज सीजर से नहीं खाना है, आपको इस प्रकार से ही पीसते होंगे, ठीक है। उसके बाद की अगर हम लोग बात करें प्रीमोरल, प्रीमोरल का काम होता है जो हम लोग इंसीजर और जो कैनाइन काम करके दे दिया है उसको ही और बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में कट करने का काम होता है, ठीक है। इसमें जनरली हमें देखने को 8 मिलते हैं, ठीक है, इसको भी 4 पेयर में बांटे गए हैं। अगर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमली फर्स्ट प्रीमोलर जो नंबर ऑफ टीथ 2 होते हैं, वहीं सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमली सेकंड प्रीमोलर वहां पर नंबर ऑफ टीथ 2 होते हैं, ठीक है। थर्ड मैंडिबली फर्स्ट प्रीमोरल, ठीक है, वहाँ भी नंबर ऑफ टीथ 2 होते हैं। थर्ड की अगर हम लोग, फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो मैंडिबली सेकंड प्रीमोलर नंबर ऑफ टीथ 2 होते हैं, ठीक है। ये कुछ चार्ट है, मैक्सिमरी और मैंडिबरी, ये कुछ हमारे टिश्यू स्पेशलाइज है, ठीक है, जो कि हमारे सेल, हमारे टीथ सेल में पाए जाते हैं। हम लोग बात करने वाले मोलर टीथ की अगर हम लोग बात करें तो हमारे कुछ अंदर पाए जाते हैं, सबसे लास्ट में पाए जाते हैं माउथ के। इसका काम क्या है, ग्रीडिंग करना काम है, ठीक है, प्लस पीसना काम है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये टीथ आया है, इसका भी कुछ लैटिन वर्ड होगा। मोलर की अगर हम लोग बात करें तो ये मोलारी डेंस लिटरली वर्ड है इसका, जिसका मतलब होता है माइलस्टोन टीथ, ठीक है, माइलस्टोन जी सबसे लास्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ टीथ 12 होते हैं, लेकिन सभी में ये 12 नहीं पाए जाते। कई ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैंगे कि 11 होते हैंगे, 10 होते हैंगे, 8 होते हैंगे, और इसके बाद के ही टीट को हम लोग क्या बोलते हैं, विजडम टीट बोलते हैं। विजडम टीट जनरली कुछ नहीं है, एक प्रकार का टीट है जिसमें हम लोग देखते हैं ये एज के अनुसार आता है, ठीक है। अगर आपका एज 18 साल है तो वो टीट नहीं होगा, 20-22 के टीट में ये क्या होता है, एज में ये टीट अपने आप आने वाला होता है, ठीक है, और इसी को हम लोग विजडम टीट कहते हैं। हम बात करते हैं डेंटल फार्मूला ह्यूमन बींग्स की अगर हम लोग बात करें तो 21 टीथ के पेयर में पाए जाते हैं, ऊपर 21 टीथ, नीचे 21 टीथ, ठीक है। और सबसे इधर वाला को आप लोग का ले लीजिएगा, हम लोग लेंगे यहाँ पर इधर वाला के इंसीजर लेंगे, ठीक है। तो दो दो पॉइंट हमारे इंसीजर कितने हो गए, 4 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में, ठीक है। तो ये हमारे डेंटल फार्मूला होते हैं, ठीक है। तो अब भाई हम लोग बात कर रहे हैं टीथ के बारे में, हमने देख लिया। अब इसको हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आपको टीथ नज़र आ रहे हैं इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट हमारा है इनेमल की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा इनेमल होता है वो कैल्शियम फास्फोरस से मिलके बना होता है। इसमें भी क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी को, ये इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें जो P4 टिश्यू क्या इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उस बात करते वाले हैं डेंटल के बारे में। अगर डेंटल की पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो इनेमल के जस्ट नीचे आप लोग देखिए वहाँ पर डेंटल है, ठीक है। ये जनरली कलर में एरिलिस रेड कलर का पाया जाता है, ठीक है। इसका अगर फंक्शन की हम लोग बात करें तो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं जो कि ब्लड को सप्लाई में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो डेंटल होता है वो हमारे इनेमल को प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। और ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है तो यहाँ पर 70% इनऑर्गेनिक मीन्स कार्बन कंपाउंड नहीं होते हैं, वहीं 30% हमारे कार्बन कंपाउंड मीन्स ऑर्गेनिक और 10% वाटर से मिलके बने होते हैं। हमारे पूरे शरीर में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बिना वाटर के मिलके बना हुआ है, कोई भी चीज़ है भाई तो वाटर से मिलके बना ही बना। क्वांटम की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, जो हमारा रूट होता है टीथ का उसके बाहर एक कनेक्टेड होता है, ठीक है, एक कैल्सिफाइड होता है, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फाइबर मिलेंगे, जैसे एल्बुलियल बोन की हम बात करें यहाँ पर लिगामेंट फाइबर भी मिलते हैं, ठीक है। इसका जनरली जो काम है ना वो क्या करता है, जो हमारे रूट होते हैं, ठीक है, टीथ का, वो किस जा से कनेक्टेड होते हैं और इसको प्रोटेक्शन का काम करता है, एक्सपोज नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे सेमेंटम का काम, ठीक है। बात करें तो यहाँ पर 45% हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं जबकि 33% ऑर्गेनिक होते हैं, वहीं 22% हमारा वाटर होता है, ठीक है। ऐसे कंप्लीट यहाँ पर सेमेंटम का निर्माण होता है। करने वाले हैं डेंटल पल्प की अगर हम लोग बात करें तो डेंटल के नीचे आपको नजर आ रहा होगा बहुत सारे नर्व्स होते हैं, उनके जो रीजन होते हैं वहाँ को हम लोग डेंटल पल्प के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है,
नियर मोस्ट लेयर ऑफ द टीट कहते हैं। यहाँ पर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और आर्ट्रियम आपको देखने को मिलता है। ये हमारे न्यूट्रिएशन ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, ठीक है। इसकी अगर जनरली मेजर फंक्शन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसका मेन फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रिएशन प्रोवाइड ही करना होता है, ठीक है। और रूट के थ्रू न्यूट्रिएशन जैसे ही प्रोवाइड होता है तो क्या करता है, वो हमारे दांत को एलिव रखने में काम देता है, ठीक है। यही मेन फंक्शन थे इसका। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, यहाँ पर आपको टी लिम्फोसाइड भी मिलेगा और माइक्रोफेजेस भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइड आप लोग देखेंगे लिम्फोसाइड का ही एक पार्ट है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये टीट पर पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग कप्स कहते हैं, ठीक है। क्राउन के ऊपर नजर आ रहे होंगे आपको, उनको हम लोग क्या करते हैं, कप्स कहते हैं। उनकी अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि एक कप्स जो होते हैं हमारे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे दोनों दांत कुछ इस प्रकार से बैठ सके और जितने भी ग्रीडिंग हो गए, च्यूइंग हो गए, टेयरिंग होंगे इनको मदद करता है, ठीक है। और इसमें जो स्पेशल होते हैं कि सभी में डिफर करता है, अगर मोलर की हम लोग बात करें तो अलग होता है, प्रीमोलर में भी अलग होता है, ठीक है, कैनाइन में भी अलग होता है इसका स्ट्रक्चर। इसका यूनिक स्ट्रक्चर सभी में आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलर स्ट्रक्चर कब हो गए, प्रीमोलर के साथ प्रीमोलर ही आपस में बैठेगा तो उस सट के कुछ मिल सकता है, ठीक है। हमने जितना देखा उनको भी फर्दर अगर मेनली मेजर पार्ट में तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट क्राउन, सेकंड नेक और रूट, ठीक है। क्राउन की अगर हम लोग बात करें तो जो आपको दिख सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्राउन कह सकते हैं, जो आपको फिजिकली देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग जितने भी दांतों को देख रहे हैं ना उनको हम लोग क्राउन कहते हैं, ठीक है। और नेक की अगर हम लोग बात करें तो जो अंदर एम्बेडेड है और हल्का सा बाहर है ना उस रीजन को, बीच को हम लोग नेक कहते हैं। जबकि रूट की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी ब्लड वेसल्स हो गए जो हमारे जा में है ना लिपटे हुए, जो अंदर की तरफ एम्बेडेड है, तो उनको हम लोग रूट कहते हैं। ये ठीक तीन मेजर पार्ट थे जिनको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो हमारे क्राउन और नेक ही होता है वो क्या करता है, झड़ता है और गिरता है, उसके बाद ही जो हमारे रूट के हेल्प से एक नया टीथ जो होता है मिल्क टीथ के टूटने के बाद वहाँ से ही फॉर्मेशन होता है, रूट टीथ से ही हमारा फॉर्मेशन। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारा टूथ डिकेड भी होता है, ठीक है, टूथ सड़ने भी लगता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आपने कभी सोचा है, नहीं सोचा है तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं कि आप याद कीजिए जब अभी कभी काल खाना खाते होंगे और रात में कितने लोग ब्रश करते हैं। रात की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कम ही लोग ब्रश करते हैं, जो ब्रश करते होंगे वो भाई टूथ डिकेयर से बहुत बहुत दूर है, लेकिन कई बार लोगों नहीं करते हैं, उनके पीछे कुल्ली भी नहीं करते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है। इसके पीछे कि देखिए क्या होता है, जब हम किसी भी खाना को खाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा फूड पार्टिकल इनगल्व नहीं रह जाता है, अंदर ही टीथ में ही छिपा रहता है या खाते समय ये हो जाता है, ठीक है, फंस जाता है। वहाँ पर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी फूड मटेरियल में क्या होते हैं, हमारे पास ग्लूकोज होते हैं, स्टार्च होते हैं, शुगर कंपाउंड होते हैं, वो तो हमारे इस पर बैठ जाएंगे और बैठने के साथ रिएक्शन तो स्टार्ट ही करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का लेयर है भाई। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है वो क्या होता है, एसिडिक की नेचर होता है, ठीक है। और हमारे पूरे टीथ को वहाँ पर जो लेयर होता है उसको एसिडिक की नेचर का बना देते हैं, जिसके कारण से हमारे दांत में पेन को देखने को मिलता है, ठीक है, और झड़ना पेन ब्लडिंग भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसे होते होते क्या होता है, एक टाइम ऐसा भी आता है कि टूथ सड़ने लगता है और सड़ते सड़ते वो आपस में टूट के गिर जाता है, लेयर को ही ब्रेक डाउन कर देता है और टूट के गिर जाता है, ठीक है। अब सभी लोग तो केवल यही ना बात करते हैं भाई कि होता है, लेकिन इसका प्रिवेंशन की अगर हम लोग बात करें तो अभी तो हमारा दांत क्या था, एसिडिक इन नेचर का हो गया था लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने के कारण। अब इसको अगर न्यूट्रल कर दिया जाए तो ये तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूट्रल करने के लिए बहुत सारे जो माइल्ड बेसिस का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप लोग टूथ का यूज करते हैं, कई लोगों का मानना है कि जो हमारा टूथ होता है, टूथपेस्ट, वो क्या होता है, वो बेसिक इन नेचर का होता है, रियली में ही होता है, और उसके हम लोग जब रब करते हैं तो क्या करता है, एसिडिफाई को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, ये होता है। और जिसके कारण से क्या होता है, हमारे टूथ का
एसिडिफाई ही नहीं होगा तो गिरेगा ही नहीं। और इससे भी बहुत अच्छा जो हमारे नीम का दतवन और कुछ दतवन जो हम लोग प्रिवेंट करते हैं पहले के लोग, उनमें भी तो भाई यही कॉमन सेंस होगा ना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा जर्म्स को भी किल कर सकते हैं। लेकिन ये तो सॉफ्ट आजकल जो आ रहा है हमारा, देख ही सकते हो टूथपेस्ट हो पूरा ही शुगर ही कंटेंट आ रहा है, इसमें भी बहुत सारे मिलावट होते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा टूडिकेट। अब हम लोग क्विक फैक्ट, टीथ की अगर हम लोग बात करें तो टीथ में कोई भी बोन नहीं होता है, ठीक है। जिस प्रकार से फैक्ट नंबर टू, जिस प्रकार से हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं उसी प्रकार से सभी का टीथ अलग अलग होता है, ठीक है। फैक्ट नंबर थ्री की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग तो देखते हैं कि जो हमारे टीथ होते हैं वो 32 ही होते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई का दांत इधर से आने लगता है तो वो 32 से ज़्यादा ही हो जाते हैं, ठीक है। और कई भाई यार तो ये भी देखने वाला है, कोई का दांत ये स्पेस छोड़ छोड़ कर जिसको हम लोग चेयर कहते हैं, ठीक है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो हाइपरडोंटिया हो जाता है जब 32 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और हाइपोडोंटिया जब 32 से कम होते हैं, ठीक है, अपने आप से रिपेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। इनमें भी दो चीज़ आपको, जो लीवर होता है, लीवर का सेल होता है वो अपने आप से रिपेयर हो सकते हैं, जबकि ब्रेन का सेल नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी टीथ जो है अपने आप से रिपेयर नहीं हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी का दांत एक्सीडेंटली टूट गया तो भाई जमता है क्या, देखा है आपने, उसको आर्टिफिशियल ही लगाना पड़ता है। तो दांत को रखिएगा मजबूत अच्छे से, अगर टूट गया परमानेंट टूटा भाई तो वो फिर से आने वाला नहीं है।